हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं धना लाइक वंशित ताबीर, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। तो आइए इसका पहले तो कॉर्ड देखते हैं। इसका ओरिजिनल कॉर्ड रहा है बी फ्लैट मेजर, और ये जो कॉर्ड है आप विद कैपो और विदाउट कैपो भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट इसका इंट्रो देखते हैं। इंट्रो को जिस तरह से प्ले किया है, यहाँ पर दो तरीके से प्ले किया है सेम जो नोट्स है उसे। तो पहले तो आपको प्ले करना है सेकंड स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट पर डाउन स्लाइड, कहीं से भी आप डाउन स्लाइड आ सकते हैं, और एट फ्रेट पर, और एट टू थर्ड फ्रेट आपको अप स्लाइड जाना है। ठीक है, लाइक, और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग जो है थर्ड टू फिफ्थ फ्रेट डाउन स्लाइड और अप स्लाइड थर्ड फ्रेट पर जाना है। ठीक है, और फिर से सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का पार्ट। सेकंड स्ट्रिंग लास्ट का पार्ट जो रहा है सेम स्ट्रिंग, एट फ्रेट पर आके थर्ड फ्रेट पर अप स्लाइड जाना है। ठीक है, और जो सेकंड का है लास्ट पार्ट वो आपको प्ले करना है। ये जो पार्ट है आपको सेकंड स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग फिर से थर्ड सिक्स फ्रेट पर डाउन स्लाइड और एट फ्रेट पर, और जो थर्ड स्ट्रिंग है यहाँ पर आपको सेवन फ्रेट पर प्ले करना है। ठीक है, लाइक इस तरह से, और इसके बाद आपको प्ले करना है सेवन टू फिफ्थ फ्रेट ऑफ स्लाइड और फिफ्थ टू थर्ड फ्रेट ऑफ स्लाइड, लाइक। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। और लास्ट पार्ट जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, आपको प्ले करना है पहले तो डाउन स्लाइड सेम, अब जब आप एट फ्रेट पर डाउन स्लाइड जाएंगे यहाँ पर आपको म्यूट करना है। ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद आपको थर्ड स्ट्रिंग जो है फिफ्थ टू सेवन फ्रेट डाउन स्लाइड आना है। ये जो लास्ट पार्ट है इसे फिर से एक बार देखते हैं। इस तरह से आपको प्ले करना है। ठीक है, ये जो नोट्स है इंट्रो है आप विदाउट कैपो भी प्ले कर सकते हैं। तो आइए इसका जो कॉर्ड है उसे देखते हैं एक बार। ओके, तो आइए इसका कॉर्ड देखते हैं जो इंट्रो में प्ले किया है सेकंड गिटार ने। ठीक है, एक्वेस्टिक गिटार ने प्ले किया है। आपको विथ कैपो प्ले करना है डी माइनर फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन और जी माइनर फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग ओपन। ठीक है, तो ये आपको प्ले करना है। इतना प्ले करने के बाद आपको ड्रम्स के साथ प्ले करना है स्ट्रमिंग पैटर्न सेम कॉर्ड लाइक। ठीक है, इस तरह से प्ले करना है, और जो गाना स्टार्ट हुआ है ए मेजर से स्टार्ट हुआ है विद कैपो ए मेजर, विदाउट कैपो बी फ्लैट मेजर। ठीक है, तो आइए इसका स्ट्रमिंग पैटर्न देखते हैं लाइक डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। ठीक है, ये आपका स्ट्रमिंग पैटर्न रहेगा। फिर से एक बार देखिए, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। और यहाँ पर ए मेजर पर जाके आपको प्ले करना है विद कैपो ए मेजर विदाउट कैपो बी फ्लैट मेजर। ठीक है, तो आइए जो गाने में कॉर्ड यूज किया है उसे देखते हैं। ओके, तो ये आपको प्ले करना है ए मेजर से विद कैपो। ठीक है, कुछ इस तरह से एक बार। ठीक है, ए मेजर और जी माइनर विद कैपो। ठीक है, जी माइनर आपको फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है, ये आपको दो दो बार प्ले करना है। ठीक है, लाइक वन फिर से आपको ए मेजर से स्टार्ट करना है। तू आए आगमन
जो पार्ट है आपको प्ले करना है ए मेजर पर फिर से टू टाइम्स, ठीक है, विथ कैप ए मेजर पर टू टाइम्स, तो और जो जी माइनर पर आपको सिर्फ एक ही टाइम प्ले करना है, ठीक है, लाइक डाउन अप डाउन डाउन अप, और उसके बाद आपको डी सस टू पर जाना है और यहाँ पर फोर टाइम प्ले करना है, ठीक है, याद रखें फोर टाइम। सेकेंड टाइम आपको प्ले करना है ए मेजर पर विथ कैप टू टाइम्स जी माइनर पर एक ही बार प्ले करना है और डी सस टू पर आपको फोर टाइम प्ले करना है, ठीक है, विथ कैप वन टू थ्री फोर, और उसके बाद फिर से आपको ए मेजर से स्टार्ट करना है। तो आइए इसका कॉर्ड देखते हैं धीरे से। से प्ले किया है, ठीक है, पहले तो आपको प्ले करना है विथ कैपो ए मेजर टू टाइम्स और जी माइनर पर वन टाइम, ठीक है, एक ही बात प्ले करना है, लाइक और फिर से ए मेजर पर जाना है विथ कैपो और यहां पर टू टाइम्स प्ले करना है और जी माइनर पर इस बार आपको टू टाइम्स प्ले करना है, ठीक है, लाइक यहाँ पर टू टाइम्स प्ले करके फिर से आपको ए मेजर पर जाके टू टाइम्स प्ले करना है, ठीक है, लाइक ठीक है, ये हो गया एकॉस्टिक गिटार का पार्ट। अब यहाँ पर आपको प्ले करना है इलेक्ट्रिक गिटार अल्टरनेटिव कॉर्ड प्ले करना है थोड़ा सा डिस्टॉर्शन डाल के, ठीक है, आइए उसको देखते हैं। ओके, तो आइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक गिटार का जो पार्ट है उसे देखते हैं। इसका कॉर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। आपको प्ले करना है बी फ्लैट मेजर का अल्टरनेटिव कॉर्ड 10 फ्रेट पर फर्स्ट फिंगर से, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग कुछ इस तरह से, और जो सेकंड स्ट्रिंग है सेकंड फिंगर से 11 फ्रेट पर, और जो फोर्थ स्ट्रिंग है थर्ड फिंगर से 12 फ्रेट पर, ठीक है। ये हो गया बी फ्लैट मेजर का अल्टरनेटिव कॉर्ड, कॉर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो दूसरा कॉर्ड रहा है जी माइनर का अल्टरनेटिव कॉर्ड लेना है आपको, ठीक है, इस तरह से इसका फिंगर पोजिशन रहेगा फोर्थ स्ट्रिंग 8 फ्रेट पर थर्ड फिंगर, और थर्ड स्ट्रिंग 7 फ्रेट पर सेकंड फिंगर, सेकंड स्ट्रिंग 8 फ्रेट पर फोर्थ फिंगर, और फर्स्ट स्ट्रिंग 6 फ्रेट पर फर्स्ट फिंगर, ठीक है। और ये आपको प्ले करना है सेम स्ट्रमिंग पैटर्न सेम रहेगा, लाइक डाउन यहाँ पर दो बार, और यहाँ पर सिर्फ एक ही बार प्ले करना है, फर्स्ट तो और फिर से बैक टू बी फ्लैट मेजर अल्टरनेटिव कॉर्ड, यहाँ पर दो बार और फिर से जी माइनर का जो अल्टरनेटिव कॉर्ड है उसे यहाँ पर टू टाइम्स प्ले करना है, ठीक है। तो एक ही साथ देखते हैं इसे, ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिक गिटार का पार्ट। तो आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, तो आइए इसका कोरस पार्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको प्ले करना है डी माइनर विथ कैप फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन और जी माइनर सेकंड और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, ठीक है, ये आपको एक एक बार प्ले करना है सेम स्ट्रिंग पैटर्न, ठीक है, सेम आपको प्ले करना है, ये आपको दो बार प्ले करना है और डी और जी माइनर पर एक एक बार प्ले करना है। मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ, वन वन वन, इसी तरह आपको ये दो बार प्ले करना है। तो आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ओके, तो आइए इस गाने का जो मेन पार्ट है उसे देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक गिटार ने प्ले किया है बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये पार्ट, ठीक है, ये कुछ इस तरह से प्ले किया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया है, ठीक है, ये आपको प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट टू थर्ड फ्रेट डाउन स्लाइड,
और सेकेंड स्ट्रिंग फिफ्थ टू सिक्स फ्रेट डाउन स्लाइड और फिर से थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ टू सेवन फ्रेट डाउन स्लाइड। ठीक है, फिर से एक बार देखिए और फिर से आपको ऊपर प्ले करना है सेकेंड टू थर्ड फ्रेट डाउन स्लाइड और लास्ट जो पार्ट है आपको सेकेंड स्ट्रिंग फिफ्थ टू सिक्स फ्रेट डाउन स्लाइड जाके रोकना है। ठीक है, और फिर से आपको ये सेम रिपीट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए ये जो पार्ट है जबरदस्त पार्ट है इस गाने का, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना जरूर, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इस चैनल को अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कुछ इस तरह से प्ले किया है। ये आपको दो बार प्ले करना है। पहले तो आपको सेकंड स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट डाउन स्लाइड आना है और एट फ्रेट, और उसके बाद आपको प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ टू सेवन फ्रेट डाउन स्लाइड, और इसके बाद आपको प्ले करना है सेवन टू फिफ्थ और फिफ्थ टू थर्ड फ्रेट ऑफ स्लाइड, और फिर से सेकंड स्ट्रिंग सिक्स टू एट और थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ टू सेवन। ठीक है, इसको एक ही साथ देखते हैं। ये आपको दो बार प्ले करना है। ठीक है, तो आइए इसका जो दूसरा पार्ट है उसे देखते हैं। ओके, तो आइए पहले जो सोलो का कॉर्ड है उसे देखते हैं। आपको प्ले करना है बी फ्लैट मेजर और जी माइनर, टू टू टाइम्स आपको यहाँ पर प्ले करना है, लाइक पर आपको दो दो बार प्ले करना है, और उसके बाद बी माइनर फर्स्ट स्ट्रिंग अपॉन और फिर से जी माइनर। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एक बार प्ले करना है, लाइक उसके बाद आपको ई मेजर पर जाना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते तो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्ले किया है। आपको प्ले करना है ई मेजर, मतलब विद क्या को ई मेजर का फिंगर पोजीशन लेना है। ओरिजिनल कॉर्ड है एफ मेजर और डी सस टू विद क्या को। ठीक है, और यहाँ पर ए मेजर मतलब बी फ्लैट मेजर आपको प्ले करना है। ठीक है, ई यहाँ पर एफ मेजर से स्टार्ट करना है, लाइक कब से कर। ठीक है, फिर से ये दोनों कॉर्ड आपको प्ले करना है। ठीक है, बी फ्लैट और ये डी सस विद कैपो डी सस टू। ठीक है, ये दोनों दोनों कॉर्ड आपको प्ले करना है। फिर से एक बार यहाँ पर आपको जी माइनर प्ले करना है, और जो लास्ट कॉर्ड रहा है आपको डी माइनर के प्ले करना है फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। ठीक है, और फिर से आपको ए मेजर पर जाके रोकना है। लास्ट कॉर्ड यहाँ पे आपको रोकना है बी फ्लैट मेजर विद कैपो आपको प्ले करना है। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा इसका गिटार लेसन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे गिटार लेसन पर, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रॉकिंग।